आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा असर? देखिए अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली, अफसर के खासतौर से, उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए हम लोगों ने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड, सब तरह की बात। नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा, तो ये सारी बातें कही। आप सबसे सुन लीजिए, पूरा सत्ता पक्षों की पक्ष यहाँ एकजुट होकर प्रधानमंत्री से पहुंचा, बिहार राज्य के सभी राजनीतिक दल योगी सरकार ने इनकार कर दिया, पहले अपने खुद का क्या उम्मीद कोई जगी है बैठक के बाद, राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है कैसे हो जाए यार? और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडन कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं, मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां, और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। एससी एसटी का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है वो, उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं, तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास, अभी किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं, तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने ओबीसी की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है ओबीसी में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिलकर के जो है दो बारी विधान बिहार विधानसभा से पारित किया गया। तो अब प्रश्न जब पूछा गया पार्लियामेंट में, तो बोला गया कि कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन आपको भी पता है आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, यूपी के सरकार में मनमोहन जी के समय में जातीय, शैक्षणिक और आर्थिक जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े जब केंद्र सरकार जो भी रहे उसके बाद स्पष्ट जो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली, ये बताया गया कि भाई करप्ट हो गया है।